तो हेमंत सोरेन की टीम तैयार हो चुकी है। मंत्रिमंडल के गठन के साथ लगभग सभी मंत्रियों ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उनमें से एक है ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी। मंत्री पद संभालने के बाद इरफान अंसारी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। और इसी बीच रफ्तार मीडिया के विशेष संवाददाता सौरभ रॉय से बातचीत करते हुए इरफान अंसारी ने कहा कि अपने विभाग को सबसे मजबूत विभाग बनाऊंगा, विभाग में लगे दाग को मैं मिटा दूंगा और ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों के लिए काम करूंगा। हेमंत 3.0 की शुरुआत हो चुकी है, सभी मंत्रियों ने पदभार भी ग्रहण कर लिया है। और इसी बीच हमारे साथ मौजूद है ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी जी। इरफान जी, सबसे पहले तो रफ्तार मीडिया की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया, धन्यवाद आपका। इरफान जी, हमने देखा कि जब से आप पदभार ग्रहण किए हैं, आप अफसरों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। जो छवि बिगड़ चुकी थी ग्रामीण विकास विभाग की, उसकी सुधारने के लिए क्या कुछ स्ट्रेटजी अपनाएंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पर राज्य हमारा है, हमारे जो गार्जियन लोगों ने राज्य लिया है तो इसको बचाने की आवश्यकता है। राज्य को सही पटल में लाना है और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, जो जवाबदेही दी गई है राहुल जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, मीर साहब ने, वेणुगोपाल सर ने, राजेश ठाकुर जी ने और हमारे हेमंत जी ने जो अपने मंत्रिमंडल में जो शामिल किया है, उम्मीद है लोगों को। आप देखते हैं ताता लगा हुआ है, लोगों का आना जाना लगातार एक विश्वास के साथ। तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा, जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ ईमानदारी से निभाऊंगा। और मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि जो पदाधिकारी लोग हैं मुझे सपोर्ट करें। 3 महीना क्या मेरे लिए? 1 महीना काफ़ी है। मैं काम करूँगा, रिजल्ट दूंगा, जनता को लगेगा कि नहीं ये विभाग जो है ये अच्छा कर सकता है। सीधा जनता से जुड़ा है, मैं देख रहा हूँ। आज समीक्षा है, मैं जा रहा हूँ और निश्चित तौर पर मैं यकीन दिलाता हूँ अपने आवाम को कि इरफान अंसारी का मंत्रिमंडल मंत्री में शामिल होना मतलब ये समझिए कि एक एक जनता मंत्री है। सबका काम करूँगा मैं, वो नहीं कि देखिए डायरेक्ट सभी लोगों से मिलता हूँ, कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, कौन बीजेपी का है, कौन जेएमएम का है, कोई आरजेडी का है, कोई ईडी का है, कोई सीबीआई का, सब लोग मिलिए। आप लोग गलत होना ही नहीं है मुझसे, मैं बार बार कहना चाहता हूँ मैं काम करने के लिए आया हूँ, सही काम करूँगा, एफर्ट दूंगा और सुझाव भी लूँगा। और कोई नुक के भी आ रहे हैं, छुप के भी आ रहे हैं, उनसे भी सुझाव लूँगा मैं कि बताइए क्या चाहते हैं आप, क्या बदनाम करने की छवि है आपकी, क्या बात करने की छवि है, ये भी बता दीजिए आप। लेकिन कभी भी किसी के साथ जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री हेमंत जी के साथ हुआ उस तरह से मत कीजिए, ऊपर वाला है देखता है। हम काम जी, विधायक से मंत्री तक का सफर आपने तय कर लिया है, महज 2-3 महीने का समय है, विधानसभा चुनाव भी है, एक बड़ा चैलेंजिंग समय है आपके लिए। देखिए, इतनी बड़ी आवाम है हमारी, 18% ये बैकवर्ड कम्युनिटी जो हमारा आप समझ सकते हैं, तो इसका नेतृत्व करता नहीं था तो राहुल जी ने दिया है, तो राहुल जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ कि समाज को आगे लाऊंगा। ये समाज भाग रहा था, कोई इधर कोई उधर, इस पार्टी उस पार्टी उस पार्टी में, अब एकजुट करने का जो दायित्व मुझे दिया गया है उसको मैं निभाऊंगा। अपने आवाम से भी कहूंगा कोई दिक्कत नहीं है आपको। अभी आप देख रहे हैं कहीं लोग मार दे रहा है, मॉब लिंचिंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कहीं लोग एक दूसरे सम्मान नहीं कर रहा था, भाई भाई में सम्मान नहीं था, ये भाजपा ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था। मैं कहूँगा कि सभी वर्ग को कहूँगा आइए, क्या हिंदू क्या मुस्लिम क्या ओबीसी क्या बैकवर्ड, एकदम काम लीजिए हमसे, बहुत बड़ा जवाब दे दिया गया है। लेकिन ये जो नाटक भाजपा कर रही है ना कि आपस में लड़ा रही है, आपस में मार रही है, लोगों की जान चली जाती है, माँ बाप सफरर होता है, परिवार सफरर होता है कि मैं अपने औलाद को खो दिया, उसका गम मुझे है। तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा जो जवाबदेही दिया गया है ईमानदारी से निभाऊंगा, किसी के साथ किसी वर्ग के साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा और ना ही नाइंसाफी होने दूंगा। इरफान जी, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, आरएसएस के मोहन भागवत का आगमन हुआ है राजधानी रांची में और दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को इससे फायदा होगा, आप कैसे देखते हैं? देखिए, इरफान अंसारी मंत्री बना है, अभी कौन कौन भागवत आएगा कोई ठिकाना है यहाँ, समझे? अब देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको, जिसको लाना लाए, ये लोग जितना जहर उगलना उगले, जनता हमारे साथ है, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत जी के साथ है, मुख्यमंत्री के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। और 2024 में जो अधूरा सपना है, राज्य में तो काम होने नहीं दिया, 2 साल कोरोना चला गया, 2 साल तो हम लोगों को डरा के रख दिया, मुख्यमंत्री जी को घर से उठा लिया, मुख्यमंत्री जी को कोर्ट ने न्याय दिया, तो इन सारी बातों का इफेक्ट हुआ है विभागों में भी। तो समय आएगा,
काम करके दिखाना है। और 24 में बीजेपी भूल जाए, अपने आवाम से कहूँगा कि एकदम एक रहिए, साथ रहिए और नेक रहिए, मैं आपके साथ हूँ। तो जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से इरफान अंसारी जी ने बड़ा बयान दिया है, इनका कहना है कि ये आवाम के साथ बने थे और बने रहेंगे आगे। गिरफ्तार मीडिया से संवाददाता सौरभ राय, सहयोगी मुकेश के साथ रांची।